नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल साम्राज्य और उत्तर मुगल कालीन जो बादशाह थे उनके बारे में जाना था कि उन्होंने किस प्रकार से सत्ता हासिल की थी और किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया था और किस प्रकार से शासन किया था। तो उनके समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था और उनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में जाना था। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बात करें हम अपनी पिछली वीडियो की, भाई राजाओं से संबंधित जानकारियां तो हमने जुटा ली थी अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से, लेकिन उनके प्रशासन से संबंधित हमने केवल एक पिछली वीडियो दी है और अब हम अपने जो आने वाली वीडियो है वो सभी राजाओं के यानी मुगल काल के जितने भी राजा थे उनसे संबंधित जानकारियां लेंगे कि इनके प्रशासन का तरीका क्या था, किस प्रकार से ये प्रशासन करते थे और इनके प्रशासन के समय में इन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बांटा था और कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जिनके इन्होंने कौन कौन से कार्य उनके अधीन दिए हुए थे। तो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि इनका जो प्रशासन था वो सैनिक शक्ति पर आधारित था, सैनिक शक्ति पर आधारित था। दूसरा कि केंद्रीकृत प्रशासन था और केंद्रीकृत प्रशासन का जो मतलब था वो नियंत्रण और संतुलन। ज्यादातर इन्होंने जो साम्राज्य किया था जवाबित और जहांगीरी यानी राज्य की रक्षा करना और अन्य राज्यों पर अधिकार करना, उस तरीके से इनका शासन करने का तरीका था। होता क्या है कि मुगल काल में चार बड़े पद थे, भाई मंत्री परिषद के लिए वज्रदार शब्द का प्रयोग होता था। चार मंत्री पद कौन कौन से थे जो कि बादशाह के बाद, भाई सर्वे सर्वा इन्होंने खलीफाओं को एक तरफ करते हुए बादशाह को सर्वे सर्वा कर दिया था। अब इन्होंने चार पदों का सर्जन किया यानी साम्राज्य को चार पदों के यानी चार अधिकारियों के अंतर्गत बांटा था। चार वो मंत्री पद कौन से थे, जैसे कि वजीर, जिसे वकील भी कहा गया, वजीर जो था वो बाबर और हुमायूं के समय में था, लेकिन वो वजीर का शब्द जो है, वजीर का जो पद है वकील में तब्दील हुआ अकबर के शासन के दौरान यानी अकबर के शासन के समय में। इसके बाद में वकील के बाद में इन्होंने जो साम्राज्य बांटा था यानी मंत्री परिषद के अनुसार कि कौन कौन से पदों के अनुसार साम्राज्य चलना चाहिए उसके अनुसार, जैसे पहला पद वजीर का, बादशाह के बाद वजीर, ठीक है, वजीर के बाद में इन्होंने दीवान का पद, दीवान के बाद में मीर समा और मीर समा के बाद में सदर उस सुदूर यानी सदर कुल, सदर और सुदूर को सदर कुल भी कहा। ये चार वो बहुत बड़े मंत्री पद थे जिनके अनुसार साम्राज्य चलता था। वजीर का पद शक्तिशाली ना हो जाए, ये बादशाह के भाई वजीर ही शक्तिशाली था तो इस पे कार्यभार बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने क्या करा, वजीर के पद को थोड़ा सा बांटने के लिए यानी कम करने के लिए इन्होंने दीवान का पद का सर्जन किया। दीवान के बाद में चार मंत्री परिषद, मैंने अभी बताए वजीर, दीवान, मीर समा और सदर कुल, ये चार हो गए। लेकिन अब इन्होंने देखा कि भाई इन पर काम का भी प्रेशर है और इन पे शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। वजीर के पास में क्या थे, सैनिक और असैनिक असीमित यानी बहुत ज्यादा अधिकार, तो इन्हें भी ये कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि भाई बादशाह के बाद में वजीर ही, जब इतने सारे अधिकार हैं तो ये होता भी यही है कि इनके ये अधिकारी विद्रोह करने के बाद में शासन करते थे। इन्होंने फिर दीवान का पद बनाया,
और दीवान के पद को क्या, राजस्व और वित्तीय, राजस्व और वित्तीय अधिकार दिए थे। अब यार ये मिलने के बाद में इन्होंने फिर इसके अधीन भी चार, दीवान के अधीन भी चार अधिकारी बना दिए, दीवान खालसा, दीवान तन, मुस्तफी, है ना, मुस्तफी है ना, और मीर बख्शी। इन्होंने चार पद बना दिए दीवान के अंतर्गत, और उन पदों के बाद भी उनके अधिकार सौंप दिए गए। ठीक इसी प्रकार मीरे समा, मीरे समा के अंतर्गत भी उनके सहायक के तौर पर तीन से चार बतुआते, सहगिरदी, ये ऐसे पद थे। मीरे समा को कार्य सौंपा गया शासन का महल से संबंधित, राजा के घरेलू मामलों से संबंधित, राजा के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, दीवान का पद, अब वजीर का पद क्या था, सैनिक और असैनिक असीमित अधिकारों का पद, यानी साम्राज्य का बादशाह के पास सर्वे सर्वा। दीवान के पद में क्या कर दिया, राजस्व और वित्तीय अधिकार जोड़ दिए, ठीक है ना, और उसकी सहायता के लिए चार अधिकारी और दे दिए कि भाई ये तुम्हारे अंतर्गत रहेंगे। मीरे समा घरेलू समस्या देखता था, घरेलू जरूरतों को पूरा करता था, राजा के महल से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी, रसद की, खाने की, यानी कि राजा के परिवार में जो भी छुटमुट समस्या थी, यानी उनका समाधान करना, राजा की घरेलू, राजा को सलाह देना, ये मीरे समा का कार्य था। सदर जो था उसका कार्य क्या था, उसका कार्य धर्म से संबंधित कार्य था, पढ़ाई से संबंधित कार्य था, खालसा भूमियों से संबंधित था, इनाम भूमियों से संबंधित था, है ना, दान पुण्य से संबंधित था, और राजा का सलाहकार भी था। तो ये इस प्रकार से चार पद थे जो बहुत बड़े थे, और इन पदों के अंतर्गत भी जहां पर उन्हें जरूरत लगी कि भाई वजीर के सहायता के लिए दीवान को बना दिया जाए, यानी वजीर की सहायता के लिए दीवान बना दो और दीवान की सहायता के लिए चार नए अधिकारी उसकी सहायता के लिए अंतर्गत दे दो, मीरे समा की सहायता के लिए भी दो चार अधिकारी दे दो जो साम्राज्य को या शासन को देखेंगे, और उसके बाद में सदर कुल जो कि धार्मिक मामले देखेंगे। इस प्रकार से चलता था इन अधिकारियों के द्वारा मुगलों का शासन। मुगलों ने अपने शासन को भी, और अन्य अधिकारी भी थे, अन्य अधिकारी भी थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उनके क्या क्या कार्य थे जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके बाद में मुगलों ने, ये तो हो गया केंद्र से संबंधित, अब मुगलों ने क्या करा था, अपने साम्राज्य को भी तो बांटा था प्रांतों यानी सूबों में, प्रांत यानी सूबे, सरकार यानी जिले, परगने यानी तहसील एक तरह की, उसके बाद गांव सबसे छोटी थी। हम उनके बारे में भी जानेंगे कि प्रांतों का यानी सूबों का प्रशासन किनके अंतर्गत था और कौन कौन से अधिकारी थे, और यहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कि सरकार यानी जिलों में किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में जो शासक थे शासन करते थे उसके बारे में भी। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने क्या जाना था, वजीर, दीवान और मीर समा, कि भाई ये किस प्रकार से इनके अधिकार थे और इनके सहायक अधिकारी कौन थे और उनका क्या क्या कार्य था जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जानेंगे हम सदर के बारे में, जो कि मंत्री पद थे मुगल काल के सबसे बड़े पद। ठीक है, तो शुरू करते हैं मुगल प्रशासन। सदर उस सुदूर, मैंने आपको बताया था कि ये बादशाह का धार्मिक सलाहकार था, ठीक है ना, धार्मिक सलाहकार था, धर्म से संबंधित जो भी दान पुण्य है, कहां पर मदरसे बनाने हैं, कहां कितना दान देना है, कहां कौन सी इन्हें शरीयत हदीस, ठीक है ना, शरीयत के अनुसार जो भी जानकारियां थी ये राजा को देते थे सलाहकार के तौर पर। शरीयत, वैसे मुगल जो प्रशासन था वो शरीयत पर आधारित है, यानी कुरान और हदीस का सम्मिलित रूप था। ठीक है, इस
सदर को क्या, दूसरे नाम क्या था इसका, सदर को शेख, शेख उस इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। इस सदर को शेख उस इस्लाम भी कहते हैं। इस्लामिक विचारधारा से संबंधित राजा को सलाह देना, जहां पर यह न्याय का कार्य करता था, न्याय संबंधित निपटारा जमीन से सहन, तो इसे काजी उस कुजात भी कहा जाता था। ये सदर के ही नाम है जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। जहां पर ये राजा को सलाह देते थे तो शेख ऑफ इस्लाम धार्मिक मामलों से, जहां पर ये न्याय धर्म से संबंधित निपटारा करते थे, धर्म से संबंधित न्याय करते थे, तो काजी उसको कुजात बोलते थे। लगान, ये जो मैंने आपको बताया खालसा, इनाम, जागीर, जो धार्मिक मामलों में दी गई दान पुण्य की यानी जमीन थी, भूमि थी, उसका लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण भी ये करते थे। ठीक है, निरीक्षण करने के साथ साथ भाई इन्हें भी तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था, तो बादशाह के द्वारा इन्हें क्या दी जाती थी, इन्हें भी लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। और जो लगान मुक्त भूमि इनको मिलती थी, उस भूमि का नाम क्या था, सरयुगाल, उस भूमि का नाम सरयुगाल था, और कहीं कहीं पर उसे मददे मास भी कहा जाता है। और ये दोनों भूमि किसको मिलती थी, काजी को जात समझ लीजिए, या फिर सदर, सदर मंत्री पद था। ठीक है, और इसका काम करने वाला कौन था, काजी उस कुजात, यानी आम भाषा में इस पद पर जो व्यक्ति होता था उसको सदर कहा जाता था। कहीं कहीं पर जब इसे नगद वेतन देते थे, जब इसे नगद वेतन मिलता तो इसके नगदी वेतन को क्या कहते थे, वजीफा, वजीफा, और भूमि को मददेमास। 1578 ईस्वी में अकबर ने, ठीक है ना, ये 1578 ईस्वी में अकबर ने प्रांतों में भी इस पद की नियुक्ति की थी। ठीक, नियुक्ति की थी, और अकबर ने मददेमास कौन था, यानी सदर कौन था, जिन जिन के समय में कौन कौन थे, देखो अकबर के समय में जो सदर था, सदर जहां, अकबर के समय में इस अधिकारी, इस पद पर जो अधिकारी था उसका नाम था सदर जहां, जिसे 2000 का मनसब भी दिया गया। कहीं कहीं पर देखो इसमें मनसब भी दिया गया था। और जहांगीर के समय में इसी मनसब को 2000 से 4000 और फिर बाद में 5000 कर दिया गया। अब शाहजहां के समय में कौन था, मुसब्बी खां, मुजफ्फी खां को 3000 का मनसब दिया गया था। जहांगीर और अकबर के समय में तो सदर जहां था, उसे मनसब जागीर भी दी थी, यानी कर मुक्त भूमि और मनसब प्रदान किया गया था। तो इन्होंने पहले 2000 का दिया अकबर ने, लेकिन जहांगीर ने उसे 2 से 4 और फिर 5000 का कर दिया। शाहजहां के समय में मुसब्बिर खान था, इसे 3000 का मनसब दिया गया था। और औरंगजेब के समय में, याद रखना, औरंगजेब के समय में सैयद जलाल खां क्या था, सदर था, और सदर के साथ साथ इसे भी मनसब दिया गया था। यानी इसकी सत्ता, पावर में और ताकत में बढ़ा दी गई थी। तो औरंगजेब ने इसे 6000 का मनसब दिया गया था। तो ये वो पद थे जो उस समय के व्यक्तियों को दिए गए और प्रशासन का कार्य चलता रहा। इन्होंने फिर दरिद्रों के लिए भी, अकबर ने दरिद्रों के और अनाथों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए और उन्हें बसने के लिए कुछ नगरों की स्थापना की थी। भाई जब सदर था, ये कार्य किसके थे, सदर के अंतर्गत, और इनका दायित्व किस पर था, अबुल फजल पर था। तो अनाथों और उनके भोजन के लिए क्या, हिंदुओं के लिए तो इसने धर्मपुरा बनवाया, तो जोगियों के लिए जोगीपुरा, ठीक है ना, जोगियों के लिए जोगीपुरा, और मुसलमानों के लिए खैरपुरा। मुसलमानों के लिए क्या था, खैरपुरा, मुसलमानों के लिए खैरपुरा बनवाया। ठीक है, और देखरेख का कार्य मैंने अभी बताया आपको किस पे था,
अबुल फजल पर, और वेश्याओं के लिए भी एक नगर बनाया शैतानपुर, जहां पर वेश्या रहेंगी, उनके खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध क्या था, शैतानपुर। ये थे सदर के उस समय अंतर्गत आने वाले, देख रेख करने वाला अबुल फजल था। तो मेरे प्यारे साथियों, वजीर, दीवान, मीरे समा और सदर से संबंधित यही चार मंत्री पद थे जिनसे मुगलों का प्रशासन चलता था। अब इनके अंतर्गत बहुत सारे सहायक अधिकारी भी थे, जो सहायक अधिकारी थे उनसे कुछ संबंधित विभाग थे, ठीक है, जो सर्वेसर्वा बादशाह था। तो उन अधिकारी और विभागों के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं, किस प्रकार से आते हैं वो अपने हम आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। जैसे कि मीर अतिश जो था वो तोपखाने का प्रधान था मुगल काल में। तोपखाने से संबंधित जो व्यक्ति था उसे मीर अतिश कहते थे, जो तोपखाने का प्रधान था। साहिब तो जी है ये सैनिक लेखाकार था, सैनिकों के जो कि सैनिक भर्ते होते थे उनके कागजात होते थे, जो संबंधित इनके जो लेखा जोखा करता था, ये सैनिकों के बारे में लेखाकार जो था वो साहिब तो जी है। दीवाने तन, ये दीवाने तन था जो कि दीवान के अंतर्गत बनाया गया था सहायक अधिकारी, जैसे कि दीवाने तन, खालिसा, मुस्तफी और मीर बख्शी, ये दीवान के अंतर्गत आने वाले सहायक अधिकारी थे। इनके डिपार्टमेंट भी थे यानी इनके विभाग। तो दीवाने तन का कार्य क्या था, वेतन और जागीर बांटने का जो अधिकारी था, देने का जो अधिकारी था वो दीवाने तन था। लेकिन युद्ध के समय में ये अधिकार जो था, युद्ध के समय में वेतन और जागीर कौन देता था, तो वो दीवान था, केवल वो युद्ध के समय में ही दे सकता था, अन्यथा नहीं दे सकता था, ये देता था दीवाने तन। दरोगाए डाक चौकी, ये पत्र व्यवहार का कार्य करता था और गुप्तचर प्रणाली का भी प्रभारी था, गुप्तचर विभाग जो था उसका भी ये प्रभारी था। मीरे अर्ज जो था वो बादशाह के लिए जो आवेदन पत्र आते थे, नौकरी से संबंधित, किसी पद से संबंधित जो भी आवेदन होते थे बादशाह के लिए, ये उन आवेदन पत्रों का प्रभारी था, वो इसी की देखरेख में होते थे। मीरे बहर कौन था, ये शाही नौका यानी जल विभाग का एक तरीके से अधिकारी था, ठीक है ना। शाही नौका जो जल विभाग था, जल से संबंधित जहाज थी, नावे थी, उनका अधिकारी यही था। मीरे जो तोजक था वो धार्मिक अनुष्ठानों का अधिकारी, धार्मिक अनुष्ठान जो मैंने अभी आपको बताए, चाहे वो दान पुण्य से संबंधित हो, मदरसों से संबंधित हो, मस्जिदों से संबंधित हो, या जो भी संत फकीर थे उनको अगर दान पुण्य दिए जाते थे और उस समय जो अनुष्ठान होते थे, ठीक है, अनुष्ठान का मतलब यानी जैसे दैनिक जीवन में किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, चाहे वो गृह प्रवेश हो, नींव रखनी हो, या किसी घर का मुहूर्त हो, जो अनुष्ठान होते, पूजा पाठ, ये उसका अधिकारी था। मीरे बर ये कहते हैं वन विभाग का अधिकारी था, वन से संबंधित जो भी कार्य विधि थी, वन से जो राजस्व आता था, जंगलों को किसको ठेका दिया जाता था, आय व्यय का जो करता था वो ये था मेरे बार। नाजिर बयोतात कौन थे, शाही कारखाने का अधिकारी यानी संगठित करता, कारखाने कहाँ लगेंगे, कारखानों में क्या बनेगा, कौन कौन से हथियार होंगे, कितने आदमी दिए जाएंगे, कारखानों के कौन कौन से कागजात तैयार होंगे, परमिशन कहां से मिलेगी, ये जो अधिकारी था वो नाजिर बयोतात था।
वाक्य नवीस, ये समाचार लेखक था क्या, जो कि राज्य में प्रशासन में केंद्र में जितने भी समस्या थी, जो दैनिक जानकारियां होती थी, उन समाचारों को बादशाह तक पहुंचाने का कार्य वाक्य नवीस करता, यानी समाचार लेखक था ये। खुफिया नवीस ये कौन था, ये बादशाह को यानी केंद्र पर गुप्त, ये गुप्त पत्र लेखक था, गुप्त पत्र लेखक यानी राज्य में और केंद्र में जो भी समस्याएं होती थी, गुप्त खुफिया जानकारियां ये सीधे बादशाह तक पहुंचाता था, इसका कार्य ये था। ये एक तरीके से ये किसी के सामने नहीं आते थे, गुप्त, गुप्त माने चुपचाप सीधा बादशाह के कान में जाके समस्या ये घटनाओं की जानकारी देना गुप्त पत्रों के द्वारा। स्वाधिनिगार जो थे ये समाचार लेखक था, प्रांतों में क्या घटनाएं घट रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या घटनाएं घट रही हैं, तो ये उनके समाचार पत्र वाला अधिकारी था। हखारा ये जासूस और संदेश वाहक थे, ये सीधे बादशाह के संपर्क में थे भाई, हकारा ये जासूसी भी थे, जासूस और संदेश वाहक क्यों थे, क्योंकि ये हर जगह देखते थे कहीं षड्यंत्र तो नहीं चल रहे, षड्यंत्र राजा के खिलाफ कोई विद्रोह की, विद्रोह के लिए कुछ इकट्ठा तो नहीं हो रहे, कौन राजा के विद्रोह करने के लिए है प्रॉपर चल रहा है यानी तैयारी कर रहा है, तो ये सबकी जानकारियां हकारा राजा तक पहुंचाते थे, बादशाह तक। वितक्षी ये अकबर ने अपने 19वें वर्ष में इस पद का सृजन किया था, इसका कार्य क्या था, दरबार में घटित होने वाली घटनाएं और प्रांतों में जो भूमि थी, लगान भूमि, प्रांतों की लगान भूमि और कागजात जो तैयार किए जाते थे, इसका कार्य वो था, यानी दरबार की घटनाओं का, प्रांत में जो लगान भूमि थे उनके कागजी कार्रवाई यानी कागजातों को तैयार करने का कार्य वितक्षी का था। परवांची जो था वो जो था वो आज्ञाओं को लिखने वाला था, वो कौन सी आज्ञाओं को लिखने वाला, जिन आज्ञाओं पर बादशाह की मोहर नहीं हो, यानी कुछ आज्ञाएं बादशाह मोहर लगाकर देते थे और वो सार्वजनिक होती थी। अब ये जो था वो था कि जिन पर राजा की मोहर ना हो, जिन पर बादशाह की मोहर ना होती, उन आज्ञाओं को लिखने का कार्य किसका था, परवांची, ठीक है, वो था परवांची। मुशरिफ ये आय व्यय का लोखा देखा, यानी आय कितना राजस्व आया, यानी कितनी कमाई हुई और कितना व्यय हुआ, यानी कौन कौन सा खर्चा हुआ, किस किस चीज पे हुआ, इसका लोखा जोखा लिखने वाला जो अधिकारी था वो मुशरिफ था। मुस्तफी ये मुस्तफी जो था वो आय व्यय का, जो कि मुशारिफ, जो मुशरिफ ने कार्य किया है आय व्यय का जो तैयार किया है, उसका निरीक्षण करने वाला जो था वो मुशरिफ, मुस्तफी यानी लेखा जोखा जो मुशरिफ के द्वारा तैयार किया गया है उसकी जांच करने का जो अधिकारी है कि आय व्यय का जो ब्यौरा है सही है या गलत, उसका निरीक्षण करने का मुस्तफी का कार्य था। अमिल का कार्य जो था परगने, भाई मैंने आपको बताया मुगलों का जो प्रशासन था, प्रांत यानी सूबे, सूबे के बाद सरकार यानी जिले, जिले के बाद में कौन था, तीसरा परगने, परगनों के बाद गांव, तो परगनों का जो वित्त अधिकारी था, परगनों का जो वित्त अधिकारी था यानी पैसाओं से संबंधित वित्त अधिकारी जो था वो अमिल था। इसका कार्य क्या था, अकबर ने इस पद का गठन किया था, लेकिन कहां पर, बंगाल, बिहार और गुजरात, याद रखना ये तीन वो क्षेत्र थे, तीन वो सूबे थे, ठीक है ना, यानी प्रांत थे मुगलों के, बंगाल, बिहार और गुजरात, इनको छोड़कर इसमें अमिल नामक पद का गठन नहीं किया गया था,
यहां पर यह गठन नहीं था, ये अकबर ने अपने 18वें वर्ष में इस पद का गठन किया था और ये पद बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर बाकी उत्तर भारत में इस पद का गठन किया गया था। कहा? उत्तर भारत में। याद रखना, मुसद्दी, मुसद्दी का जो कार्य था वो बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करना था, बंदरगाहों का मरम्मत करना, बंदरगाहों को बनवाना, यानी कि एक तरह का पोर्ट पंत उसे बोल सकते हैं आप, कि कहां पर कौन सा जहाज खड़ा होगा, कौन से जहाज में से सामान उतरेगा और कहां पर वो लगेगा। तो ये जो बंदरगाह से संबंधित अधिकारी था वो मुसद्दी था, जो बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल करता था। तो ये वो महत्वपूर्ण अधिकारी थे मुगल साम्राज्य के, कि चार मंत्री पदों के बाद में उनके सहायक के तौर पर छोटे छोटे कार्य उनको सौंपे गए थे और वो इन कार्य को करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मुगल प्रशासन से संबंधित पद अधिकारी और उनके कार्य और उनके नाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से यहां से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।